नमस्कार, आप देख रहे हैं ईबे पर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जुगसलाई नगर निगम में जो जुगसलाई क्षेत्र का जो समस्या था, उसको लेकर जिला युवा कांग्रेस और नवनीत मिश्रा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन और अपना जो डिमांड है, जो क्षेत्र का साफ सफाई और क्षेत्र का जो जरूरत है, उसको लेकर धरना प्रदर्शन था, जिसमें हम लोग तमाम युवा कांग्रेस के लोग आए हैं। और ये जो आंदोलन, ये महज आंदोलन नहीं था, आम लोगों से जुड़ा हुआ जो जन मुद्दा था, उसको लेकर हम लोग जुगसलाई नगर परिषद का ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और जमशेदपुर के अंदर में भी लगातार हम लोग का महंगाई को लेकर कार्यक्रम है, नौजवानों को जोड़ने का कार्यक्रम है, बूथ स्तर पे संगठन कैसे मजबूत हो, आगामी चुनाव में कांग्रेस की परफॉर्मेंस कैसे मजबूती के साथ हो, हम लोग कैसे अधिक से अधिक सीटें जीते, उसको लेके हम लोग दो दिनों का दौरा है जमशेदपुर में, जिस पर रणनीति आगे बनाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट इसी से करेंगे कि ये जो हम लोग का समाज, हम लोग का जो इलाका, हम लोग का एरिया जो है, इसमें सबसे नेता से ही बड़ा भूमिका आप लोग का है। हम चाहते हैं कि जो भी जन सुविधा का जो समस्या है, इसको आप लोग एकदम ऊपर लेवल में उठाइए। हम मेरा बोलने का ये है सर कि हम लोग का जो जुगसलाई का चूनाभट्टा एरिया, हरिजन बस्ती एरिया, ये सब एरिया है, अपना चूनाभट्टा एरिया जो है 2011 में जुस्को के द्वारा बनाया गया, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, 10 साल हो गया उस क्षेत्र में, ना आज तक बिजली ना आज तक पानी पहुंचा है। अब जा करके एक बार देखिए, आप स्वच्छ भारत की बात करते हैं, आप उस एरिया में जा करके देखिए, आज भी वहाँ पे बच्चे, बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, आज बाहर में सोच कर रहे हैं। ये हम स्वच्छ भारत की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर के? आप सोचिए कि हमारा उस जो इतना 120 परिवार का जो क्षेत्र है, वो जो 120 परिवार का क्षेत्र है, मुश्किल से 2-3 दिन में एक टैंकर आता है, क्या जीवन जी रहे हैं वो लोग। कभी आप लोग से, मीडिया वालों से मैं यही दरखास्त करूंगा, एक बार आप लोग जा करके वहाँ पे विजिट कीजिए कि कैसे जिंदगी जी रहे हैं। अरे बड़े लोग तो अपने सर्किट हाउस ऐसे एरिया में जी रहे हैं, आप लोग कभी वहाँ पहुँचने कष्ट कीजिए। हम लोग ने कोशिश किया है, युवा कांग्रेस ने कोशिश किया है कि उस जो अपना चूनाभट्टा का जो 120 परिवार का जो क्षेत्र है, उसको गोद लेने का कोशिश किया है। हम लोग उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, चाहे अपना सरकार के विरुद्ध में जाना हो, हम उसके लिए जाएंगे। ये हमारा वचनभित्र, हम उसके लिए पूरा वो है। आज का क्या कार्यक्रम था? आज हम लोग का जो कार्यक्रम है, जुगसलाई का जो मूलभूत सुविधा है, जैसे कि बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट, अपना जाम लगने का, वो ये हर मामला में नगर पालिका फेल है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, इतना बड़ा क्षेत्र है नगर पालिका, आप इनसे स्ट्रीट लाइट की बात करेंगे, वो बोलेगा फंड नहीं है। अरे फंड नहीं है, क्या कोई बहाना है ये? इतना हजारों हजार आदमी सब टैक्स वसूल रहे हैं, 9 गुना टैक्स बढ़ा दिया आपने, इतना टैक्स बढ़ा दिया, उसके बाद आप बोलते फंड नहीं है। अब चापाकल मरम्मत की बात करने का बोलिए, बोलता फंड नहीं है। तो कैसे जनता किसके आशा से जिएगी? यहाँ का जनप्रतिनिधि तो सोया हुआ है, पता नहीं कहाँ पे है, सांसद महोदय तो हमको लग रहा कब आए होंगे जुगसलाई में, पता नहीं। तो हम चाहते कि हम लोग युवा कांग्रेस जुगसलाई का आवाज बनेंगे, हम लोग हर कुछ को लेकर के। अब साफ सफाई हम गारंटी देते हैं, अभी क्षेत्र में आप लोग पूरा मीडिया वाला घूमिए, देखिए कभी झाड़ू नहीं लगता है, कभी कचरा नहीं उठाया जाता है, कैसे जिंदगी जी रहे हैं। आज भी एक नंबर वार्ड जुगसलाई में जाइए आप, आज भी वहाँ पे कुआं का पानी पी रहा है, आज तक वहाँ तक नल का पानी नहीं पहुँच पाया, ऐसा हम लोग का क्षेत्र का ये हालत है। आप क्या बोलिएगा? कभी मीडिया वाले घूमिए वहाँ पे, घुसिए कभी भी, पूरा गंदगी में उन लोग का कुआं है वही। मेरा नाम नवनीत मिश्रा, विधानसभा यूथ कांग्रेस। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।